रूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 75,000 प्रतिबंधित नशीली गोलियां जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस्तेमाल में ली गई कार को भी जब्त किया है। आरोपी अभिषेक दुबे, अशोक कुमार विजयनगर के निवासी हैं। पुलिस NDPS में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच कर रही है। SHO पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार रायसिंह नगर रोड पर देर रात कार्रवाई की गई। कार्रवाई में BSF का भी पूरा सहयोग रहा है। देखिए हमारे संवाददाता मलकीत सिंह की रिपोर्ट। शाम को पुलिस और BSF की जॉइंट नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई है। इसके बारे में हमारे IG साहब ने पहले मीटिंग ली थी, बॉर्डर मीटिंग, उसमें निर्देश दिए थे। तो कल ASP साहब के आदेश के अनुसार ये नाकाबंदी की गई अनूपगढ़ रायसिंहनगर रोड पर। तो वहाँ ये इन दोनों को, दो व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, अभिषेक और अशोक कुमार। एक डिजायर स्विफ्ट गाड़ी जब्त की गई है। 75,000 नशीली दवाएं NDPS घटक के तहत बरामद की जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। ये लोग कहाँ हैं सर, कहाँ के सर, और इनके पीछे आपराधिक क्या, किस प्रवृत्ति के लोग हैं? ये विजयनगर के रहने वाले दोनों, वैसे मूल रूप से ये UP के बता रहे हैं रहने वाले, लेकिन काफ़ी समय से विजयनगर में रह रहे हैं और टैक्सी गाड़ियाँ चलाने का बता रहे हैं। और हो सकता है इसका ट्रांसपोर्ट करने में इनकी भूमिका तो सामने आई है, बाकी इसके कहाँ से क्या सप्लाई उसके बारे में अनुसंधान जारी। पीछे का इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी रह सकता है, वो मालूम करेंगे, अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। मैं रेनू शर्मा बाइक राइडर अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सपोर्ट करती हूँ। आप लोग अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करें और इसके वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।